ये विंदर शहर के नज़दीक एक है, विंदर के साथ एक मंदिर है। इधर माता का मंदिर पर पूजा करते थे, फिर दुश्मन का हमला हुआ। हमला होने के बाद 9 बंदों को एक साथ। तो फ्रेंड्स, हमने ना दर्शन कर लिया माता का मंदिर का, ये तो बाकी जो है ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ ही है ना, सब यात्रा पे आए हुए हैं। नाम बताओ अपना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए व्लॉग में। आप लोग कैसे, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हम इंग्लैंड यात्रा पे निकले हुए हैं, तो अभी हमारी बस जो एक बलूचिस्तान का शहर है विंदर, वहाँ पे पहुँची है। तो जलाराम भाई भी हमारे साथ मौजूद है। जलाराम भाई, कौन सा मंदिर है? तो ये नवनाथ का मंदिर है। तो मैं फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ, जाते हैं अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो अंदर चल के देखते हैं। बाकी यात्रा में जो भी मंदिर आते हैं वो भी हमने बोला था आपको पहले भी कि हम दिखाते रहेंगे आपको। गेट है मंदिर का इस साइड पे और बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है हुकूमत बलूचिस्तान इदारा करियात बलूचिस्तान। ये एंटर हो रहे हैं इस साइड पे हम। गेट है मेन गेट और ये मंदिर का व्यू है, खुले मंदिर का। ये सारा मंदिर के लिए बनाई हुई जगह। ये अंदर एंटर होने का द्वार है। तो फ्रेंड्स, ये माता रानी का मंदिर है, आप देख सकते हैं सामने। जी फ्रेंड्स, तो ये माता रानी का मंदिर है और ये देखें आप। ये भगवान शिव जी और गणेश जी के फोटो लगाई हुई है यहाँ पर मंदिर में। जय माता दी। ये हवन बना हुआ है यहाँ पे, हवन बना हुआ है शिव जी की है और फोटो हैं। ये यात्री सारे हमारे हैं। ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने ना दर्शन कर लिया माता का मंदिर सही है। तो बाकी जो है तो बाकी आपको आगे चल के बताएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे नवनाथ है, उनकी समाधियाँ बनी हुई है, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या चीज़ है। भाई मध्य प्रदेश, जय माता दी। जय माता दी। ये विंदर शहर के नज़दीक एक है, विंदर के साथ एक मंदिर है। इधर माता का मंदिर बना पड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये नव समाधि है। इधर ये लाइन में लगी पड़ी है। ये कुछ इनके बच्चे थे और ये साथ इधर इसकी तपस्या करते थे, पूजा करते थे। फिर दुश्मन का हमला हुआ। हमला होने के बाद 9 बंदों को एक साथ साथ काट लिया गया था, उसके शीश काट लिए गए थे। तभी हमारे जो सनातन धर्म की शक्ति है, उस शक्ति की वजह से उनको पर्चा आ गया और खुद भैया का मंदिर है वो विराजमान होकर उसने अपने चरणों में रखा और अपने चरणों में स्थान दिया। ये नवनाथ की समाधि है। धन्यवाद जी महाराज। अभी जो मैं उमरपुर से आया हूँ, विंदर शहर के करीब जो है इधर माता चरण वाली का मंदिर है। अभी उसके अभी जो है नाथ है उसकी जानकारी है। जैसे ये टोटल 9 लोग थे जो रहते थे यहाँ पे, तो पूजा वगैरह पूजा पाठ करते थे। तो कुछ लोगों ने ना इनकी हत्या कर दी थी, तो ये 9 ही 9 एक साथ थे। फिर माता रानी के यहाँ पे कुछ चमत्कार किया, तो फिर उस हिसाब से लोगों ने ना मंदिर बनाया यहाँ पर। तो ऐसे ही इसकी कहानी है, जोड़ी जाती है। साथ है जैसे बच्चे भी हैं छोटे, वो छोटी समाधि है, तो छोटे बच्चे वगैरह सारे कुल मिलाकर लोग जो थे ना वो 9 लोग थे। तो नवनाथ भी बोला जाता है ऐसे। ये तो फ्रेंड्स, हम ना अभी भी मंदिर में रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे। लगभग हमारा जो घर है ना वो विंदराज माता से 1000 किलोमीटर दूर है, 1200 किलोमीटर दूर है। तो इस हिसाब से हमने अभी आधा सफ़र लगभग आधा के करीब कर लिया है, और बाकी का सफ़र जो है वो रात में और कल तक हम पहुँच जाएंगे वापसी का। तो अभी जहाँ रुके हैं वो बलूचिस्तान के शहर है एक विंदर, वहाँ पे माता का मंदिर है। तो वहाँ पे हमने भंडारा वगैरह किया अभी, तो वहाँ से थोड़ा हो गया अभी। ये मंदिर है माता रानी का, आप दर्शन किए होंगे। अभी बाहर भी भंडारा कर रहे हैं काफ़ी यात्री। हम यात्री अभी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बैठे हुए हैं क्योंकि थके हुए हैं सफ़र में अभी 3 दिन से। अभी ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ ही है ना, सब यात्रा पे आए हुए हैं। नाम बताओ अपना। ये तो फ्रेंड्स ना, हम अभी माता के मंदिर में रेस्ट किया, जैसे भंडारा वगैरह कर लिया, तो अभी आगे का सफर जो है हम
हैं, अभी सारे रेस्ट कर रहे हैं। ये अपना अपना बताओ। ये सूरज हुआ, सूरज कुमार है, ये भी है। मैं विजल कुमार। विजल कुमार। नारायण कुमार। नारायण कुमार। और सर आपका नाम क्या है? नेहरू। आपका नाम क्या है? राजकुमार। ये सारे हैं ना मारवाड़ी हिंदू, मारवाड़ी हिंदू जी हाँ, सारे मारवाड़ी हिंदू है। तो राजस्थान से भी काफ़ी लोग मारवाड़ी हिंदू देखते हैं, तो आपको मारवाड़ी समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम एक दो व्लॉग ना मारवाड़ी में भी करेंगे। बस खड़ी है और ये शहर है बलूचिस्तान का विंदर शहर है। तकरीबन यहाँ पे आबादी तो हिंदुओं की आबादी बहुत कम है, ये तकरीबन एक दो ही घर है ये मंदिर के बराबर में। ये मंदिर है, मंदिर की दीवार है इस साइड पे, तो बाकी जो है बलोचों के घर है। हम चाय पीने जाएंगे इस साइड पे, देखो ये मोहल्ला है जी फ्रेंड्स। तो ये है गुरुद्वारा जो कि माता के मंदिर में बिल्कुल बराबर में, हम जहाँ पे अभी विंदर शहर में रुके हैं रेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, तो यहाँ के भी दर्शन करने यहाँ पे चाय का हमें बोला गया कि चाय पीते जाएं हमें हमारी, तो ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के भी आपको दर्शन करवाते हैं। हाँ गुरुद्वारा ये 4-5 साल पुराना है, अभी नया ही बनाया है। MP है मुखी श्यामलाल लासी, उनकी तरफ से बनाया गया है। तो पहले कभी आप आए हैं इधर? सोन म्याणी एक दो बार आया इधर। सोन म्याणी में ये यहाँ के सेवादारी हैं, सेवा करते हैं यहाँ पे। तो आप इनके बारे में कुछ बताएं, गुरुद्वारा कितने पुराना है? क्या ये पुराना तो कोई सदियों का है, सदियों का बना अभी, बना अभी है यहाँ पे, अभी तकरीबन इसको ये 3 महीने हुए हैं। कंस्ट्रक्शन का काम अभी हुआ है, बाकी भी है पुराना यहाँ पे। ये सदियों पुराने जो स्वामी जब चलते थे ना, स्वामी जब शालादी बिटाई भी इसी गांव में आया हुआ। अच्छा इसी गांव में, जो सोन म्याणी जिसको बोलते हैं, सोन म्याणी स्वामियों के साथ उधर से माता दे निकला था तो इधर पहुँचा, इधर से जाके फिर बकली गए। चलो तो ये है गुरुद्वारा। ये पानी पिला रहे हैं अभी यात्रियों को, इतने भी यात्री हैं सभी। हाँ और ये भाई साहब जो है अभी चाय का भंडारा देंगे हमें। यहाँ पे एक गुरुद्वारा छोटा बना हुआ है, उनकी तरफ से जो है चाय का भंडारा दिया गया था, और सारे यात्री अभी चाय पी रहे हैं तकरीबन। तो अभी हम जहाँ रुके थे माता के मंदिर में, वहाँ पे विंदर खेल में, तो हमारे साथ ही यात्री है जो ऊपर छत पे थे और मैं नीचे था, तो इतना हुआ नहीं काटे, तो ये भी हमारे साथ ही यात्रा कर रहे हैं, तो इनसे भी हम मिलते हैं और बात करते हैं, पूछते हैं। जय माता दी। जय माता दी। थोड़ा जोर बढ़िया। जय माता दी। क्या नाम है आपका? निहाल। निहाल कहाँ से आए हो? जमशाबाद से। जमशाबाद सिंध का ये इलाका है। आपका? राजा नाम है शहर खेतों से। क्या नाम है? राजा। राजा नाम है शहर? शहर खेतरा। शहर खेतरा से, सिंध का ही शहर है ये। जिलो सांगर। जिलो सांगर से आए माता के दर्शन के लिए। सेवादारी है ना? हाँ ये सेवादारी है, और खाना पकाना सारा यही करते हैं, वो खिलाना पिलाना है ना। तो जितनी बस में हम लगभग 130 बंदे हैं, सबको ना यही बंदे से ना, तो बड़ी बात है ऐसे अपनी सेवा करना। तो फ्रेंड्स ये था माता का मंदिर जिसके हमने दर्शन किए, और ये तकरीबन यात्रा के बीच में आता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।